आज मैं आप लोगों को शब्द विचार के संदर्भ में पहला भाव प्रणाली के बाद जो पद या स्रोत के आधार पर पढ़ा दिए हैं उसके अंदर में चार बातें आई थी और चार बातों में जैसा कि उसकी परिभाषा भी आपको बता दी गई है तत्सम तब तद्भाव और उसके बाद देशज और विदेशज इसके संबंध में बताया गया है बताया गया आप लोगों को। दूसरी बात जो यहाँ पे आती है वो उसका पॉइंट है रचना के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा पॉइंट है अर्थ के आधार पर। इसके बाद एक वीडियो और आपके पास भेजेंगे लेकिन जो पहली वीडियो मतलब पहला भाग था पहली वीडियो के साथ जो पहली परिभाषा थी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वो परिभाषा मैंने आप लोगों को भेजी एग्जाम्पल के साथ और इसके दूसरे भाग में आपको दो पार्ट में दे रहा हूँ और वो दो परिभाषाएँ हैं दो भाग हैं आपके एक रचना के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है एक अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो जो रचना के आधार पर बताया जा रहा है आप लोगों को रचना के आधार पर जब वर्गीकरण होता है शब्द विचारों के अंदर तो इसके तीन भाग हो जाते हैं। रचना के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो इसके तीन भाग हो जाते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द दूसरा है यौगिक शब्द तीसरा है योगपूर्ण शब्द तीसरा है योगपूर्ण शब्द। अब यहाँ पर देखिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं रूढ़ शब्द क्या है और कैसे इनका निर्माण होता है। जैसा कि रूढ़ का अर्थ ही होता है परंपरावादी परंपरावादी यानी जो सदियों से चले आ रहे हैं शब्द सदियों से परंपराओं से चले आ रहे हैं और आज भी उसका स्तर जो एक स्तर है वो सेम है यानी उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और परिवर्तन करने पर परिवर्तन का आशय यहाँ पर खंडन करने पर टुकड़े करने पर अगर उस शब्द के टुकड़े कर दिए जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को ये तो जहाँ तक इसका अर्थ है अर्थ पहले बता रहा हूँ उसके बाद इसकी परिभाषा के बाद बताऊँगा। तो जहाँ वो शब्द होते हैं वो परंपरावादी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं एक विशेष अर्थ होता है और इसके खंड या टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कर्म क्रम काम ऐसे शब्द अगर जैसे कर्म है कर्म का अगर हम खंडन करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई असर नहीं आएगा इसका कोई असर नहीं आएगा। ठीक उसी तरह क्रम है क्रम का भी अगर हम खंडन करते हैं तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। तो ये बात मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि वे रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके नकल टुकड़े किए जा सकते हैं और एक विशेष अर्थ के लिए माने जाते हैं अर्थात इनका एक विशेष अर्थ होता है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात आती है आपको यौगिक शब्द यौगिक शब्द यौगिक का अर्थ होता है मेन योग योग यौगिक यानी योग योग का मतलब जोड़ योग का अर्थ क्या होता है जोड़ होता है। तो जब दो शब्द आपस में जुड़ करके जब दो शब्द आपस में जुड़ करके कोई नया शब्द बनाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा समझ लीजिए जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं तब उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ जैसे यहाँ विद्या प्लस आलय आप विद्या का मतलब समझते ही हैं विद्या होता है आलय का मतलब घर होता है आलय का अर्थ क्या होता है घर होता है। तो यहाँ दो शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हैं वो क्या है विद्यालय वो क्या शब्द है विद्यालय यानी दो शब्दों की योग से जब कोई तीसरा शब्द बनता है तब यहाँ पर क्या होता है यौगिक शब्द होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं यौगिक जैसे पुस्तकालय है यथार्थ है सत्यार्थ है। अगर इनका हम संधि विच्छेद करें तो इसके लिए देखेंगे कि आप अलग अलग शब्दों से मतलब एक नए शब्द का निर्माण है जैसे गद्यांश है गद्य प्लस अंश पद्यांश है तो पद्य प्लस अंश। तो अगर गद्यांश और पद्यांश गद्य प्लस अंश अर्थात गद्यांश हो गया नए शब्द का रचना होगा पद्यांश ही है तो पद्य प्लस अंश तो पद्यांश हो गया एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है अर्थात अब मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई।
क्या मिसाल मैंने बताया था, योग, योग मतलब जोड़ होता है। जब कोई भी दो शब्द या दो से अधिक शब्द नहीं हो सकते, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके जब एक तीसरा अर्थ तीसरा शब्द बनाते हैं तब उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब जो दूसरी तीसरी बात इसमें आती है योग रूप शब्द, योग रूप इसमें भी दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं लेकिन वो अपने मूल आशय को न देते भी एक तीसरा अर्थ देता है। यहाँ बस बात समझने वाली बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर योग रूप शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन अपने उस आशय को न देकर के कोई तीसरा आशय देते हैं, अपने उस शाब्दिक अर्थ को न देकर के कोई तीसरा आशय देते हैं, इसे हम योग रूप शब्द बोलते हैं। अब जैसे योग रूप शब्द का हमने कह दिया गिरि धर, गिरि प्लस धर। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप, यहाँ पर गिरि गिरि का अर्थ होता है पर्वत, गिरि का अर्थ क्या होता है पर्वत, और धर 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 का अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। अब यहाँ पर देखा आपने, अब ये अर्थ पर्वत को धारण करने वाला अर्थात पर्वत को धारण करने वाला तीसरा आशय कौन सा हो गया, कृष्ण हो गया। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो योग रूप शब्द है अपना एक विशेष अर्थ न देते हुए एक तीसरा अर्थ दे रहा है। ये एग्जाम्पल मैं समझता हूँ समझ में आ गया आपको। जैसे अब एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि लंबोदर, लंबो हो गया इसके बाद दर, लंब प्लस उधर, लंब प्लस उधर, ठीक है। तो यहां अब यहां पर देखेंगे लंबा हो उधर, लंबा हो उधर, ये समाज के अंतर्गत दिया जाएगा लेकिन दो शब्दों से मतलब बना हुआ है। लंबा है उधर अर्थात क्या हो गया आपका, क्या होगा लंबोदर, लंबा है उधर अर्थात गणेश जी, यानी तीसरे अर्थ को यहां पर भी दे रहा है। तीसरे अर्थ में कौन से आ गए हैं, गणेश जी आ गए, ठीक है। तो जो एक अपने आप विशेष को न देकर के कोई तीसरा अर्थ देता है वहां पर क्या होता है, ये आपका योग रूप शब्द होता है, ये आपका योग रूप शब्द होता है। अब इस मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके जो तीसरे पॉइंट है, इसके तीसरे भाग है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर इसके दो वर्गीकरण किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, सार्थक जैसा कि एक सामान्य परिभाषा, सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका की एक निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका की एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और ठीक उसके विपरीत वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या अर्थ नहीं निकलता है, दोनों बातों से नहीं होता है या कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई अर्थ निकलता है जैसे घर हुआ, मकान हुआ, ठीक है, या पेड़ हुआ, मैदान हुआ, अगर ऐसे बातें हम कहते हैं या शब्द आते हैं तो उसका एक अर्थ विशेष आ रहा है, विशेष अर्थ आ रहा है। लेकिन निरर्थक में क्या होता है, निरर्थक में उसके समानार्थी जो शब्द होते हैं एक का तो अर्थ होता है लेकिन दूसरे, जैसे रोटी होगी, रोटी रोटी, तो रोटी का अर्थ तो आ रहा है यहाँ पर लेकिन रोटी जो हम कहते हैं जो इसके समानार्थी शब्द होते हैं रोटी का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, केवल इसके एक समर्थन अर्थात इसकी सामंजस्यता दिखाने के लिए, बिठाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर देते हैं और वास्तविक रूप से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए दूसरी वीडियो में आप लोग इतना ही मैं भेजता हूँ और आप लोग इस पांच परिभाषाओं को, पांच परिभाषाओं को रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द और सार्थक और निरर्थक शब्द की परिभाषा को लिख करके भेजना है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये जो पांच परिभाषा बताई गई है आप उसको उदाहरण के साथ उसकी परिभाषा लेकर भेजेंगे। धन्यवाद।